रूस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.2 की तीव्रता दर्ज की गई है। रूस के कामचटका इलाके के पूर्वी तट पर यह भूकंप आया है। जमीन के 51 किलोमीटर नीचे 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप के बाद सुनामी की भी चेतावनी जारी की है। तो भूकंप के बाद सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। तेज तीव्रता का भूकंप आने के बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं अर्थक्वेक के दौरान रूस से आई इस तस्वीर को अब देखिए, पूरा ब्रिज किस तरीके से हिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। 7.2 तीव्रता का भूकंप यहां पर आता है और उसके बाद जर्मनी के, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हादसा यहां पर हो गया। पेरिस व्हील में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग की चपेट में आने से 30 लोग घायल हुए हैं। तो जर्मनी के लिप्शिंग इलाके में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान यह हादसा हुआ। तो म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान दरअसल यह हादसा हो जाता है, उसकी तस्वीर सामने आई है। जर्मनी के लिप्चिंग में आग का तांडव देखने को मिला है। म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान यह हादसा हो गया, लोगों में हड़कंप मच गया। पेरिस व्हील्स में आग लगने की वजह से वहां हड़कंप मचा, लोग इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आए। काफी भीषण यहां पर आग लगी थी और जिसको काबू में पाया गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अब ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और उसी दौरान अचानक से यहां पर आग लग जाती है। इस आग की चपेट में आने से 30 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। पेरिस व्हील्स के दौरान ये आग लगती हुई दिखाई दी यहां पर, और इसी दौरान आपको बता दें कि यहां पर हड़कंप भी मच गया। देख सकते हैं कि आग की लपटें उठ रही हैं और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आग से हड़कंप भी वहां पर मचा और काफी लोग वहां पर भागते हुए नजर आए। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि 30 लोग घायल हो गए हैं। इंदौर से खबर, जहां कब्जाधारी सुरेश पटेल के घर पर बुलडोजर चला। कुछ दिन पहले शासकीय अधिकारियों पर गोलियां चलवाई गई थी। तहसीलदार की टीम पर करवाई थी हवाई फायर। जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा था। अधिकारी मौके पर गए थे और उसी दौरान कब्जा खाली करवाना उनको था, लेकिन सरकारी जमीन पर बनी अवैध कोठी को ध्वस्त किया गया। तो जमीन को लेकर यहां पर विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि तहसीलदार की टीम पर हवाई फायर भी करवाया गया। सरकारी जमीन पर बने अवैध कोठी